नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूटी यूजी 2023 में कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं, जिसकी वजह से वीडियोज के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है कि सर हमारे मार्क्स कम है तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ें डिपेंड करती है यूनिवर्सिटीज पे। जब ये सीयूटी आ चुका है तो ऐसे में ये कहना कि हाँ आपको एडमिशन मिलेगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बहुत श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की चॉइसेस कितनी है बच्चों के, उस पर्टिकुलर सीट पे कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन डाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, BHU एक समय जब इंडिविजुअल फॉर्म डालता था, अपना फॉर्म भरवाता था प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए, उस समय यहाँ पे एक कोर्स के लिए लाखों कभी फॉर्म पड़ जाते थे। एक सीट पे कम से कम 400 से 300 लोगों के कंपटीशन होते थे। आज की डेट में ये कंपटीशन जब CUET आ चुका है तो किसी न किसी कोर्स में कम है, किसी कोर्स में ज्यादा है। ये डिपेंड करता है, वही बात है, चॉइसेस पे। उसके बाद यूनिवर्सिटी की चॉइसेस भी होती हैं, जैसे कि DU की बहुत डिमांड है, वो भी DU के टॉप कॉलेजेस की। जब हम DU की बात करते हैं तो अक्सर हम DU के टॉप कॉलेजेस की डिमांड की बात करते हैं, बाकी तो उसके बाद बहुत सारे कॉलेज 60-70-100 कॉलेजेस होंगे जुड़े हुए, एडेड, डीम्ड और एफिलेटेड वगैरह, लेकिन 4-5 जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनके बहुत ज़्यादा डिमांड होते हैं। उसी तरीके से इलाहाबाद और उसके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप BHU में पढ़ाई करना चाहते हो और BHU के पर्टिकुलर इस कोर्स में आपका जो मार्क्स है वो कम आ रहा है तो क्या आपको एडमिशन मिलेगा। भाई BHU मुझे लगता है एक सिंगल ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक रास्ता आपको दिखाती है कि हाँ आपके मार्क्स कम है तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हो, और वो है पेड। पेड का मतलब ये होता है कि आप इन्हें पैसा दो, वो पैसा यूनिवर्सिटी फंड में पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट फैकल्टी को जाता है और उस पैसे से वो लोग अपने यहाँ डेवलपमेंट कर पाते हैं। और इस एक लालच बोल लो या एक ऑफर बोल लो, उसके बेसिस पे बच्चों को कम मार्क्स पे एडमिशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये भी मेरिट पे डिपेंडेंट होता है, मेरिट के बेसिस पे ही यहाँ पे एडमिशन चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एक सीट की बोली लगा रहा है कि हाँ आप मुझे एडमिशन दो, चलो हम आपको 2 लाख देंगे, तीसरा बोल रहा है हम 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, ऐसा नहीं है। ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में चलता है, चैरिटी कोटा चलता है वहां पे। वहां पे जैसे बहुत रईस आदमी जो होता है वो यूनिवर्सिटी के कुछ सीटों को खरीदता है यूनिवर्सिटी के फंड में पैसा देकर, और उस सीट को वो चैरिटी वाला पर्सन जो है वो किसी भी मोरालिटी बेसिस पे किसी को दे सकता है या पैसे बेसिस पे किसी को दे सकता है। आप किसी मूवीज में देखे होंगे, बस वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे मेरिट बेसिस पे है। अब ये पेड सीट का जो पूरा अलोकेशन का जो मेथड है वो इस बार बदला गया है। पहले पेड सीट का जो कोर्स अलोकेशन था वो डिपेंड करता था कि आपका मार्क्स कितना है, और आपके मार्क्स बेसिस पे सबको जनरलाइज बेसिस पे सीट दे दिया जाता था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ये जो प्रोसेस है ये होने जा रहा है रिजर्वेशन बेसिस पे, यही सबसे बड़ा बदलाव है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि BHU पेड सीट होता क्या है, इसको समझो थोड़ा सा। BHU पेड सीट जो होता है ये सुपर न्यूमेरी सीट में आता है, यानी एक सीट पे एक्स्ट्रा सीट ऐड किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी कोर्स में सपोज 100 सीट है, कितना सीट है, 100 सीट है, ठीक है। अब पेड सीट जो होगा इस 100 पे अप टू 15%, ठीक है, अप टू 15%, यानी लगभग 15% के आसपास तक इस पे एडिशनल ऐड किया जाएगा, यानी 100 पे 15 मतलब 15 टोटल हो जाएगा 115। ऐसा नहीं है कि 100 के अंदर 15, 100 के ऊपर 15, इसीलिए इसमें रेगुलर बच्चों को हानि नहीं होती है, उनका कोई लॉस नहीं होता है। आपकी सीट कोई पैसे दे के खरीद नहीं रहा है, आपके सीट के ऊपर 15% यूनिवर्सिटी अपने पैसे डेवलपमेंट में लगाने के लिए, कमाने के लिए ये सीट ऑफर करती है। अब जैसे किसी कोर्स में 1000 सीट है, भाई 1000 सीट है रेगुलर का, अब इस पे 15% अगर लगाओगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, लगभग 150, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बेनिफिशियल होता है एडमिशन पर्पज से। लेकिन इस बार जो इसमें बदलाव है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर लिखा है सुपर न्यूमेरी सीट, मैंने आपको बताया, ठीक है, नॉट एक्सीड 15% या 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है।
उसके बाद यहाँ पे ठीक है ये सब पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है। लास्ट में एक लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी अप्लीकेबल अंडर पेड सीट कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज है ठीक है, 27 फॉर ओबीसी, 15 and 7.5 एसटीएससी, 10% ईडब्ल्यूएस, इसी प्रोसेस की बेसिस पे ठीक है, इस जनरल एससी ओबीसी एसटी जो भी है ईडब्ल्यूएस, इन लोगों को सीट जो इस बार पेड में दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन परसेंटेज की बेसिस पे दिया जाएगा। ये इस बार का नया बदलाव है जो कि पहले नहीं था। कमिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं जिन पर एडमिशन होनी है, बीएलएलबी, बीकॉम, बीएससी, बीए जो भी है, उनमें टोटल राउंड्स कितने आएंगे, कितने रेगुलर के राउंड्स आएंगे, कितने पेड के राउंड्स आएंगे, कितना मॉपअप राउंड आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉपअप राउंड की डिमांड हमेशा रहती है भाई, मॉपअप राउंड की डिमांड हमेशा रहती है ठीक है। मॉपअप राउंड क्या होता है भाई, ये लास्ट में भरने के लिए आता है, सीट को भरने के लिए। कई बार ऐसा होता है कुछ कोर्सेज में सीट फुल ही नहीं होती है, तो ये मॉपअप राउंड चलाते हैं सीट भरने के लिए ठीक है। उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और बड़े बड़े बदलाव इस बार क्या हुए हैं। इस बार जो कोर्स अलोकेशन का मेथड है, जो रेगुलर और पेड का इस बार जो मेथड है, ये भी बदला है भाई। इसमें भी आपको जानना पड़ेगा कि कब आपको रेगुलर ऑफर करेंगे, कब आपको पेड ऑफर करेंगे, और ये बेसिकली रेगुलर और पेड आपको चूज कैसे करना है, लॉक कैसे करना है, ये पूरे मेथड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे हर एक वीडियोज को देखें भाई, क्योंकि गलती मत करना। इस बार एडमिशन कमेटी में कुछ बदलाव हुए हैं, उस बदलाव को आपको अगर जानना है, गलती नहीं करनी है, तो आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा ठीक है। बाकी मेरे सभी सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हो, पर्सनल आईडीज भी है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।